हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है शानवाज और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मारुति की उस अपडेट के बारे में जिसका मारुति ने अपनी वेबसाइट पे जो है वो पब्लिश किया है। और उसमें क्या इंक्लूडेड है कि उनका जो है गाड़ियों में एक फॉल्ट है जिसको वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल में चलिए बात करते हैं। तो 3rd of September 2021 मारुति ने अपनी वेबसाइट पे एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें उन्होंने लिखा कि जो भी गाड़ियां उनकी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में बनी है, वो टाइम पीरियड क्या मैं आपको बता देता हूँ, 4th of May 2018 से लेकर के 27th October 2020 तक, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट में जितनी भी गाड़ियां लाई करती हैं, जितनी भी गाड़ियां इसमें फॉल करती हैं, उन गाड़ियों में जो गाड़ियों की लिस्ट है वो कौन कौन सी है, सियाज है, ब्रेजा है, अर्टिगा है, एस क्रॉस है और एक्सएल सिक्स है। तो ये जितनी भी गाड़ियां इस टाइम पीरियड में मैन्युफैक्चर्ड हुई हुई हैं तो वो टोटल जो उनका यूनिट्स हैं वो 181,754 हैं। तो इन गाड़ियों में क्या है कि कुछ एक डिफेक्ट है, और वो क्या डिफेक्ट है, आप उसको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बोल लो या उसमें बोल लो कि एक माइनर सा एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि उनका जो मोटर जनरेटर यूनिट है वो फॉल्टी है, ठीक है, उसमें एरर है। तो इस चीज़ को मारुति फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करेगा, ऐसा मारुति ने अपनी वेबसाइट पर लिखा हुआ है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मारुति की वेबसाइट पे। मारुति की वेबसाइट पे जा करके IMP कस्टमर इन्फो का आपको टैब मिलेगा, उस टैब में आप जाएंगे और वहाँ पे जा करके आपको अपनी गाड़ी का चैसी नंबर उसमें लिखना है, और वो लिखने के बाद में आपको सारी की डिटेल्स उसमें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ये चीज़ जो है वो 1st week of November से स्टार्ट हो जाएगी जो रिप्लेसमेंट की है, ऐसा मारुति ने अपने वेबसाइट में मेंशन किया हुआ है। और उन्होंने ये भी बोला है कि ये जिसमें भी क्या नाम है जितने भी जो कस्टमर हैं जिनकी गाड़ियां इस टाइम पीरियड में फॉल कर रही हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट में, उनके पास में मारुति के ऑथराइज सर्विस सेंटर से कॉल आ रहा होगा। तो अगर आपकी गाड़ी इस टाइम पीरियड में फॉल करती है या आपकी गाड़ी इस टाइम पीरियड की मैन्युफैक्चर्ड है, तो आप अभी मारुति के वेबसाइट पर जा करके अपना गाड़ी का चैसी नंबर लिख करके और इस चीज़ को बहुत ही प्रॉपरली वहाँ पे आप देख सकते हैं। और बाकी की जो डिटेल्स हैं मारुति की वेबसाइट पर आपको ये चीज़ जो है वो मिल जाएगी। तो अगर आपकी गाड़ी इस रेंज में है तो प्लीज़ जाइए और प्लीज़ जा करके एक बार चेक करिए अपनी मारुति के जो नियरेस्ट सर्विस सेंटर है या जहाँ भी आप सर्विस कराते हैं वहाँ पे एक बार इस चीज़ को जो है कंसल्ट कर लीजिए, टैली कर लीजिए कि ये चीज़ कब है और अपना स्लॉट उसमें आप बुक करा सकते हैं। और जैसा मारुति ने बोला हुआ है कि ये मोटर जनरेटर यूनिट का फॉल्ट है, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे दो पॉइंट मेंशन किए हुए हैं अपनी वेबसाइट पे कि तब तक के लिए जब तक ये रिप्लेस नहीं हो जाती है तब तक जो भी अफेक्टेड कार्स हैं या जिस भी कार में ये चीज़ है या ये डिफेक्ट है वो वाटर लॉक्ड एरियाज़ में मत ड्राइव करें। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर लॉक्ड है तो वो क्या नाम है इलेक्ट्रिकल यूनिट है तो हो सकता है पानी से उसमें कुछ इफेक्ट हो, और उसके बाद में डायरेक्ट वाटर स्प्रे भी उन्होंने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पे स्प्रे करने के लिए उन्होंने मना किया हुआ है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ गो एंड हिट सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर माई चैनल। थैंक यू।